मैम बाय बाय, नहीं नहीं आएंगे, बैठ ही जाएगी, इतना पानी है, जहाँ ज्यादा पानी हो तो वहाँ पर गाड़ी जो है रुके लगे। Hi everyone, welcome back to my vlog channel. So in today's vlog, आज का क्या हो रहा है पता है? आज की दिन की शुरुआत हुई है, इमाम की तबीयत फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और मुझे उसको लेके जाना पड़ रहा है और अब मैं दूसरे डॉक्टर के पास जा रही हूँ जहाँ उसको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है, तो हम वहीं जा रहे हैं और मैं तैयार हो गई हूँ। एज यू कैन सी, लिटिल बिट लिपस्टिक लगाई है और थोड़ा सा आईब्रो को सेट किया है, दैट इज़ इट, और थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा लिया है बिकॉज रेनी डे है बट स्टिल सनस्क्रीन तो लगाना ज़रूरी है। और इमाम रेडी हो गए हैं। इमाम अपनी ड्रेस दिखाओ। ये इमाम, इमाम ने क्या पहना है, क्या पहना है इमाम ने, कौन सा कलर है ये? हाँ वाइट, कौन सा कलर है नहीं बताओगे? शूज दिखाओ अपने। ये और कलर कौन सा पहना है इमाम ने? शर्ट। हाँ कौन सा कलर है? पिंक। अब चलो, अब चलना है वैसे भी डॉक्टर के पास। हाँ इमाम को डॉक्टर के पास ले चलेंगे, इमाम को अपने अब्बा के पास ले चलेंगे। चलोगे? हाँ पापा चलते हैं, ठीक है। और सर सबको बाय बोल दो, तो जा रहे हैं, बाय। और शिफा कैसे बाय बोलती है? बाय। चलो अच्छा बाय। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं और रास्ते में है डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए, और मैं इमाम के पापा को वहीं पर फोन करूँगी। ओके एवरीवन, तो अभी जस्ट मैं अभी आई हूँ वापस और डॉक्टर को दिखा के, और इमाम के पापा भी साथ आए हैं क्योंकि मुझे ऑटो नहीं मिल रहा था, मुझे बहुत दिक्कत हो जाती थी, तो उन्होंने कहा चलो छोड़ देते तो लेकर आए, तो वो भी इमाम के लिए ORS का घोल लेने गए हैं और वो जस्ट फिर इमाम को लेकर आ रहे होंगे। और अभी इमाम के लिए बनी है मूंग की खिचड़ी, तो हम लोग फिर सब लोग मूंग की खिचड़ी खाने वाले हैं एंड या दैट इज़ इट। और चलो अभी देखते हैं, इमाम को दवा देते हैं, इतनी ढेर सारी दवा, देखो देख रहे हो कितनी सारी दवा उसको दी गई है सिर्फ एक चीज़ के लिए, इतनी सारी, बस अल्लाह शिफा दे और बहुत जल्दी इमाम भैया मेरे ठीक हो जाएं कि चार दिन से वो ये झेल रहा है लिटरली। तो ठीक है, प्लीज़ आप उसके लिए दुआ करिएगा वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि वो उसकी तबीयत नहीं ख़राब मतलब ठीक होती ना तो फिर वो एकदम वो हो जाता है, सारे बच्चे नहीं खेलना कूदना छोड़ देते हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खेल रहा है तो वो चीज़ उसकी बहुत अच्छी है। तो मैंने बंद भी दिया था, जब बंद नहीं होता ना तो कहते हैं लूज़ मोशन में देना चाहिए, वो थोड़ा पेट को बांध देता है, तो वो भी मैंने दिया उसको, तो देखते हैं इंशाल्लाह शिफा दे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा अपने रिलेटिव को देखने के लिए, तो मेरे एक रिलेटिव मेरे फूफा जो हैं वो हैं हॉस्पिटल में, तो मुझे उनको भी देखना है, और ज़ुबैर के चाचा उनको भी हम लोग को देखने जाना है, दोनों ही को देखने जाना है। तो मैं यहाँ कपड़े को प्रेस कर रही हूँ और फिर हम लोग यहाँ से थोड़ी देर में तैयार होकर निकलेंगे, और ये मैं तैयार हो गई हूँ और कैसी लग रही है कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो इमाम भी हैं, रेडी हो गए हैं पैंट शर्ट में, जीन्स और शर्ट में, हम लोग बस निकल ही रहे हैं, तो मैंने कहा आप लोग को अपना लुक दिखा देती हूँ लाइट सा एकदम। और हम लोग यहाँ पर अभी रेडी होके घर आ गए हैं, इमाम के पापा रेडी होंगे यहाँ पर, मम बाय बाय, नहीं नहीं आएंगे, नहीं तुम जाओ, हम नन्ना के पास रहेंगे, हाँ बाय बाय। बाय, ए दरवाजा खुला है, बाय जा रहे हो, ठीक है जाओ बेटा, हम आएंगे नहीं,
अरे गाड़ी के बच्चे कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर हम लोग रास्ते में रुके हुए हैं, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा सा सुपर स्टोर है यहाँ पर रुके हुए हैं। इमाम के पापा और इमाम गए हैं इसके अंदर क्योंकि हम लोग पेशेंट को देखने जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ जूस वगैरह ले लेते हैं उनके लिए। और अब हम लोग जो है ज़ुबैर के चाचा के घर पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर इमाम अपने जेम्स के साथ खेल रहे थे, उनको जेम्स मिले थे तो वो खेल रहे हैं। वो खाते नहीं हैं, उसको सिर्फ खेलता है इसको, ठीक है। कलर्स उसको देखने पसंद हैं, वो सारे कलर्स जानता है, रेड ग्रीन ब्लू पर्पल, तो वो बस देखता है और उनको बोल बोल के पैकेट्स में रखता है, उसको वो बहुत पसंद है। तो हम लोग बस यहाँ पर आ गए हैं, खा पी के बस यहाँ से निकल लेंगे और मौसम बहुत ख़राब है। बैठी जा रही है, इतना पानी है, जहाँ ज्यादा पानी हो गए तो वहां पर गाड़ी जो है रुके लगे। मजा अब कहाँ चाहे जो रास्ते जब बारिश तो हर रोड अपना पानी मिली है। अब मेन हाईवे पर आए भैया कहाँ गए थे? इमाम की देखो मेरे को वो पकड़े हैंडल। एक सेकंड रुक जाएगा, एक सेकंड मेरे को तो बना देगा मतलब से बड़े लोग नहीं पकड़ते। एक दम ऐसे ही पकड़े इमाम गिर जाएगा भैया। तो फिलहाल तो अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं, मैं अपने घर पहुंची हूं। और यहां पर बरसात इतनी ज़्यादा थी कि छत से भी पानी चू रहा था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक प्लास्टिक बिछाई है मेरी अलमारी पर ताकि कुछ भी ख़राब ना हो कपड़े वगैरह। मैम मैम बाय बाय बाय। और यहाँ पर मेरा पूरा दिन होता है ओवर। आई होप कि आपको व्लॉग आज का पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करके फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। बाय एवरीवन।